15 मिनट हो गया यार, अभी तक नहीं आई है वो। ठीक है रखता हूँ मैं, बाय। क्रिश, हाय। आई एम सो सॉरी तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। आई एम सॉरी। अरे इट्स ओके, अब बैठ जाइए, आइए। सो तुम थसवी को कैसे जानते हो? मैं थसवी और डोमिनिक, हम लोग बचपन से साथ में, तो स्कूलिंग भी साथ में गया, अभी कॉलेज भी साथ में कर रहे हैं। So yeah, we are really close. Nice. And how do you know her? We did a shoot. Yeah, a shoot. So, modeling, right? Yeah, modeling. Actually, designing industry में शुरू से interest था। फिर धीरे-धीरे कपड़े design करने से ज़्यादा उनको पहन के उनके लिए model करने में interest आया। फिर कुछ नहीं, आगे मुंबई जाना है, बहुत नाम कमाना है। And you know सुष्मिता सेन? Yeah. She's my biggest inspiration. और बहुत बड़ी, that's it. थसवी वंस मेंशन यू इन टू मूवीज, एक्ट करना पसंद है, डायरेक्शन पसंद है, व्हाट एग्जैक्टली? एक्चुअली आई लाइक टू मेक पीपल एक्ट, सो डायरेक्शन। क्या गौतम वासुदेव मेनन एंड मणिरत्नम सर, दे आर लाइक माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड आई एम आल्सो फ्रॉम साउथ, तो उधर ज्यादा आर्ट मूवीज बनती है, सो आई एम इंक्लाइंड ओवर देयर। Let's see. Let's hope for the best. Yeah. So, yeah, let's order something. Yeah, sure. Sorry to say, but South Indian movies मुझे काफी unrealistic types लगती है। Larger than life type. वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से मूवीज प्रिफर करते हो। इंडियन ऑडियंस इतना कमर्शियल पे डिपेंड है कि हम आर्ट मूवीज इतना देखते ही नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा ये सब? वैसे देखने जाए तो मॉडलिंग में भी कुछ इतना आर्ट बचा नहीं है, मतलब लाइव फैशन वीक ले लो और इंस्टाग्राम ले लो, कितना डिफरेंस। एक्सक्यूज मी, मतलब लाइव फैशन वीक मतलब मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, वो सब, और इंस्टाग्राम में देखो छोटे छोटे कपड़े पहन के हर कोई किसी को मॉडल समझ रहा है, मतलब सोशल मीडिया इतना अटेंशन। छोटे कपड़े, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब आई मीन के वो, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट हैपनिंग। हे, मैं आपके लिए खोल देता हूं। आई कैन डू इट बाय मायसेल्फ। लेकिन आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कुछ गलत बोला हो तो आपको I'm really sorry, but जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो सकती है उसके साथ में दो मिनट बोल सकती है। But I get... किया तूने? क्या किया? It hurts, man. ये जो तूने रायता फैलाया ना, उसका रिवॉर्ड। अरे मेरे एक बात सुन, deserve it. Guys, क्या तू तो सुन ले मेरी एक बात। प्लीज डोंट टॉक टू मी। सॉरी यार, चलो भी बुरा मत मान। अच्छा
सुनो सुनो, ये भाई साहब ने शुरू के पॉडकास्ट और वीडियोस देखने शुरू कर दिए। सारी बनेगा ये। देख यार, मुझे मन ने कहा था मोक्ष चाहिए, तो सोचा अब से गाली बोलूंगा ही नहीं, और घर है क्या भगवान के कुछ भी करना। यार ये बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। यार मैं कहाँ बुरा माना। ठीक है ठीक है ठीक। वैसे उसका क्या हुआ? कौन? जो काट के चले गई। यार मैंने उसको सॉरी का टेक्स्ट रखा है अभी, उस मोमेंट पे मैंने जस्ट एक फ्लो फ्लो में बोल दिया, अब इसमें क्या इतना बुरा मानने वाली बात है। यार क्रिश तुम ना लड़के हो, तुम लोगों को ना ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में कैसे सबसे बात करनी चाहिए। यार एक तरीका होता है लड़की को, मतलब उसको सेफ फील हो उसे बात करते टाइम, है ना। और कोई भी हो यार, मतलब कोई भी हो, एक्स वाई जेड, एंड विमेन आर द बेस्ट गिफ्ट गॉड हैज एवर गिवन टू दिस प्लैनेट। बाकी आगे तुम लोग की मर्जी। सुन तू टेंशन ना ले, ये संभाल ले। वैसे बहुत लेट हो गया, खाने चले। अच्छा डॉमिनिक, तूने पॉडकास्ट क्यों शुरू कर दिया देखने? अरे यार सुन, हम लोग क्या लाइफ में सिर्फ मटेरियल वेल्थ के पीछे भागने के लिए बॉर्न हुए? बट उसका पर्पस क्या है, लाइफ क्या है, एम क्या है, वो भी सब तो मेन है, वो भी सब देखना होगा। और गलत बात है क्या भगवान ने छुआ? तो सोचा अब से गाली बोलूंगा ही नहीं और सबको अच्छे से ट्रीट करूंगा। यहाँ पे लोग सुधरने की कोशिश करते, वो भी करने नहीं थे। चलो भी पीछे बैठो। वे हंस क्या रहा है, पीछे बैठ, आ जा। हेलो। अरे हाँ अंकल, हाँ बाजू में ही। फोन क्यों नहीं उठा? तेरे पापा का फोन। सोचो। हाँ डैडी। हाँ हाँ दूसरी मूवी स्टार्ट कर दी है। यही चल रही है मूवी। हाँ डैडी। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कितना डल साउंड कर रहे हो। कुछ नहीं, अभी घर आया, जस्ट टायर्ड हूँ मैं। पक्का ना? अच्छा सुन, अंकल को ये जो प्रमोशनल वीडियो बहुत पसंद आया। थैंक यू डैडी। अच्छा सुनो ना। हेलो। हाँ डैडी, मम्मी को दो ना फोन। आई थिंक वो सो गई है। एक सेकंड, एक सेकंड। आई लाडले का कॉल सुना नहीं कि जाग गई? मैं आया वो ध्यान में नहीं था। हाँ हाँ बहुत अच्छा। हेलो हेलो बेटा। हाँ मम्मी, कैसे हो? अच्छी हो बेटा, और तुम तीन बंदर क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, बस मोटे मोटे किताबों के असाइनमेंट्स। मैंने डोमिनिक का स्टोरी देखा। हाँ। कितने पतले लग रहे हो, कुछ खाया करो। अरे अरे मम्मी बहुत खाता हूँ यार, इंग्लिश ज्यादा मेरा डाइट है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ अच्छा सुनो। ये डैड इतना डल क्यों साउंड कर रहे थे? रुक जा एक मिनट। मुझे पता था वो बताएंगे नहीं, लोन ज्यादा बढ़ गया है और अभी के माहौल से तो इफेक्ट ज्यादा गिरा है बिजनेस में। हाँ सुनो, मैंने कहा है आप जॉब कर सकते हो, उनके फ्रेंड है ना, उनके कंपनी में वैकेंसी है। अरे माँ आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं कर दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए, मैं अगले हफ्ते से ही जॉइंट हो जाता हूँ। लेकिन तेरे पढ़ाई में इफेक्ट तो नहीं गिरेगा ना? अरे नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ओके हाँ, तो थोड़ा अपना खर्चा उठा सके ना वैसा।
अरे माँ, अब टेंशन मत लो, और डैडी को भी बोलो टेंशन मत ले, मैं तो संभाल लूँगा, ओके? और बस आप लोग टेंशन मत लो, ओके? आई एम सॉरी, आपके कॉलेज के लास्ट ईयर में सब कुछ आपको अरे बता यार रही हूँ। क्या मम्मी ऐसा बोल तो यार, आप भी पढ़ाई का आपका टेंशन है और ये दूसरा टेंशन दे रही हूँ। चलो ठीक स्नान है, करो अभी। ठीक है बेटा, हाँ गुड नाइट। ओके, और डैडी को भी लव यू। ठीक है, ओके गुड नाइट। क्या बोला अंकल आंटी? अंकल आंटी ने क्या बोला? घर की बातें छोड़। अरे वो सब छोड़ो, सालों ने हाउस पार्टी रखी और हमें नहीं बुलाया। ऐसे कैसे हो गया बे, तुझे नहीं बुलाया? वही तो। चलो 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 ना यार, गेट क्रैश करते, चलो पार्टी में चलेंगे। लेकिन फिर क्या? लेकिन अबे दारू भी है, बस पिज्जा है कि नहीं वो यार, दारू तो है ना। पार्टी पार्टी, चलो 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 चलो, नाचेंगे यार, चलना यार, मजा आएगा, चलो 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 चलो, चल यार दारू पीने का स्लिप कराना सिखाते हैं। क्रिश, तुम दोनों को मार दूं यार। ऐसे तो क्या पढ़ रही? या वो देख जो होस्ट है वो राधिका है। ये राधिका, ये तस्वीर से बात भी कर रही है यार, लग गए ना अभी हमारे। बे कुछ नहीं होगा, चल आजा नीचे, चल पार्टी एंजॉय करते, चल। मुझे आने की इच्छा नहीं। बे कुछ नहीं होगा, चल। क्या पीछे देख, बताएगा पीछे देख, पीछे देख। क्रिश, कैन आई टॉक टू यू? मैं निकल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाय। So yeah, I watched one of Mani Ratnam's movies. वो क्या नाम था? चुपके से। अले पहले। पहले सुन तो लो। I watched in Tamil only. Also उसके गाने ज़्यादा better हैं। वो उस time नाम याद नहीं आ रहा था इसलिए बोल दिया। चुपके से। अच्छा by the way listen, I want to say this. I'm really really sorry वो उस दिन जो हुआ। मुझे इंटेंशनली कहना नहीं था, जस्ट एक उस मोमेंट पे फ्लो फ्लो पे निकल गया। विल यू फॉरगिव मी नाउ? आई रियली डोंट नो, आई मीन क्यों हर स्टेज पे और सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारा वो कहना स्पेशली जब जिस मोमेंट से पैदा होते हैं, हर स्टेज पे जाके लड़कियों को क्यों प्रूव करना पड़ता है कि उनका कुछ वैल्यू है, घर से लेकर स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल लाइफ। और वैसे भी ऑल वेमेन शुड बी रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लोथिंग। I'm really sorry. It's okay. I mean, make sure next time से किसी लड़की को disrespect ना करो. Promise? Oh, this is my favorite song. Let's go. Adiye.
हो गई क्या तुम? कहाँ? कैब का वेट कर रही हो, कोई रुकने को नॉर्मल ऑटो भी नहीं मिल रहा है और कैब है कि सारी कैंसिल भी कैंसिल किए जा रही है। मैं भी घर बस जा ही रहा था तो सोचा पूछ लो आपको घर जाना है। अरे यार जिंदगी में तुम बहुत कंफ्यूज हो, मुझे लिफ्ट चाहिए। लेट्स गो। ओके cool set headphones no let's just stop na crash out what did you think about me matlab jab hum pehli baar mile what did you think about me arrogant oh just kidding I mean jo pehli date pe hua uske baad of course wahi mission tumhara uske baad party mein jo scene hua bas mujhe kuch zyada kehna But you're simple. I mean, sweet. Or I'd say simply adorable. Or I don't know. Maybe it's your eyes. एनीवे रात बहुत हो चुकी है, आई थिंक यू शुड लीव। सो बाय, थैंक यू। हे, आई थिंक वी शुड हैंग आउट समटाइम्स। आई मीन कुछ कॉन्टेक्ट। यस मैं कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ। वो बहुत अमीर है और मैं जस्ट एक मिडिल क्लास का एक लड़का हूँ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है फैमिली में, मैं कहाँ उसको खुश रख पाऊंगा? जस्ट एक बार सोचो तुम लोग। सी गाइस, लास्ट सेमेस्टर हमारा, ठीक है, लेट्स जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। यो Hey baby, yeah. Babe. Okay, bye. Babe. Babe, huh? Aditi. Huh? लेकिन तो पिछले वाले का क्या bro? Wait a minute. Coming back to you. मतलब तुझे राधिका पसंद है, लेकिन तेरे inferior complex की वजह से तू डर रहा है, right? हाँ? See. मुझे राधिका नहीं पसंद। हाय राधिका। हाँ? नहीं पसंद। देखो इसको। कर देना इधर काट देते। एक कुछ चॉकलेट्स वगैरह है क्या? तू कर क्या रहा है?
हट हट हट। अरे 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 क्या कर रहा है भाई? यार राधिका ना पीरियड्स में, उसने ना पिज्जा मांगे तो सोचा वो उसके लिए थोड़ा लेके जाऊं। ये भी ले जा, सब ले जा। अबे ओ मजनू, हाँ 1:30 बज रहे रात के, अभी जाएगा। मैं अकेला चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। चल मैं भी आता हूँ, जूस लेके आता हूँ। चल लो क्या तुम लोग यार। हाँ कृष। बाहर आओ। बाहर मतलब? बाहर मतलब बालकनी में। What? Wait, wait, रुको, मैं आती हूँ। हाय। क्या कर रहे हो? अंदर आओ। तुम क्रिश? आपको पिज़्ज़ा खाना था ना? अभी तुम बालकनी से चढ़ के मुझे पिज़्ज़ा देने आए हो? पागल हो तुम? बहुत खा लिया है क्रिश। थैंक यू। यू आर वेलकम। You know what? Canada जाके तुम्हें बहुत miss करूँगी। मतलब? मैं India हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। I got into my dream college. इसीलिए no one can take your place. No one. भूल मत जाना हमें। एक्चुअली ये सब कहने की बात है, लोग बोलते हैं भूल जाते हैं, मतलब कोई किसी को नहीं भूलता। लोग अपनी लाइफ से चले जाते हैं बट उनकी जो मेमोरीज होती है ना वो हमारे साथ हमेशा रहती है। वैसे ही जैसे अगर लाइफ में वो इंसान हो या ना हो लेकिन उनकी कीमत थोड़ी ना कम हो जाती है। सुन मेरी बात, एक बेटा एडवाइजर, स्टॉप कॉलिंग एंड मैसेजिंग, तेरे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ, समझे? स्टॉप कॉलिंग। शाम के ट्रेन से दिल्ली निकल रही है तो उसने बोलेगा गरीब मिल ले। समझ नहीं आ रहा क्या कर गया। समझ
चल एक आखिरी बार मिल ले। कर देता हूँ एक सेकंड।